और जैसे ही आप इसको दबाओगे मांगेगा परमिशन, स्टार्ट नाउ कर देना। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरा फोन इसके साथ, जैसे कि आप कैमरा फ्रंट कैमरा से ऐसे भी कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है। मेरा भैया हैंडसम लग रहा है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आज कैसे आ गया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स पढ़े हमारी लॉयड टीवी वाली अनबॉक्सिंग की वीडियो, पूछ चुकी है 13,000 व्यूज प्लस, तो मिलने बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मेहनत का फल मिलता है और मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। और मैं अगर आपको बता दूँ, उसके अंदर सिर्फ मैंने अनबॉक्सिंग करी थी, उसके मैंने फीचर्स बताए थे सिर्फ, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बची हुई हैं जो कि मैं आज बताने वाला हूँ आपको, जो कि है हम अपने फ़ोन को उसके अंदर कैसे कास्ट कर सकते हैं, मिरर कास्ट कैसे कर सकते हैं, और साथ के साथ हम फ़ोन को और टीवी को कनेक्ट करके उसको एक दूसरे से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, अब हम अपनी आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमको एक चाहिए फोन, एंड्रॉइड फोन। पहले जाना है प्ले स्टोर पे, उस पे लिखना है, हमें लिखना है ई शेयर ऐप। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ई शेयर टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, जो कि लोए टीवी वालों का ये ऐप है खुद का, तो हमें इंस्टॉल करेंगे। और ये सेम चीज़ आपको टीवी में भी करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो हो ही मिलेगी आपको। खुल गया, कोई नहीं हो रहा है अभी। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे परमिशन मांगेगा, पहले तो ये सारी परमिशन मांगेगा, तो अलाउ कर देना है या ग्रांट कर देना है। यहाँ परमिशन अलाउ करके तो ये आ जाएगा आपका लोए टीवी का सारा सेटअप। तो अगर यहाँ में देखो तो आपको यहाँ पर रिमोट भी मिल जाएगा, रिमोट से आप टीवी कंट्रोल कर सकते हो आराम से, इजी। तो क्लोज़ करते हैं यहाँ से, और मैं आपको बताता हूँ इसको कास्ट कैसे करते हैं, इसको मिरर आप इसको इससे कंट्रोल कैसे कर सकते हो। जैसे ही आप ऐप खोलोगे तो ये ऑटोमेटिक स्कैन कर लेगा, या फिर QR कोड स्कैन करने के लिए भी बोलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लिया ऐप, आगे आप देख सकते हो इसके अंदर कनेक्ट है। तो ये रहा हमारा टीवी, अब मैं आपको फुल कनेक्ट करना दिखाऊंगा। अब मैं आपको रिमोट दिखा देता हूँ, रिमोट का बता दूँ तो जो ऐप पे जाना है आपको, ऐप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा स्टोर खुल, और तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप स्टोर है, वेब ब्राउज़र है, ई शेयर है। तो आप यहाँ पे जाएंगे ऐप स्टोर पर, ऐप स्टोर पर जैसे ही जाके क्लिक करेंगे, तो अगर ई शेयर नहीं है तो आप यहाँ से सर्च पर जाके आप यहाँ पर ई शेयर लिख सकते हो, आप यहाँ सर्च कर सकते हो। और साथ के साथ अगर मैं बताऊँ मेरे में इंस्टॉल्ड है, तो ये ई शेयर 405 है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। अब मेरे यहाँ पे जितने भी फाइल्स है फ़ोन के अंदर वो सारी इसके अंदर दिखेगी। मैं आपको कास्ट मिररिंग करनी अभी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक मिररिंग का ऑप्शन है, आप इसको दबा सकते हो। और जैसे ही आप इसको दबाओगे मांगेगा परमिशन, स्टार्ट नाउ कर देना। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरा फ़ोन इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। जी हाँ, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे उस वीडियो पे कि मैं सर ये बताओ, भैया ये बताओ कि हम अपने फ़ोन को इसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल फुल टू फर्स्ट क्लास कनेक्ट है, ओरिजिनल ऐप है, कोई ज़्यादा डुप्लीकेट वाली चीज़ है ही नहीं। तो अब मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुना देता हूँ। वैसे तो थोड़ी बहुत सिंगल परसेंट बोले तो 0.05 सेकंड का बफर होगा, मतलब कि थोड़ी बहुत लैग हो सकता है 0.05 सेकंड का, कि इसमें थोड़ा सा पहले गाना चल रहा हो उसके अंदर थोड़ा लेट चल रहा हो। और हाँ, और साथ के साथ आप इससे इसको भी कंट्रोल कर सकते हो, आपने जैसे अपना फ़ोन कास्ट करके वैसे ही आप अपना टीवी अपने फ़ोन के अंदर कास्ट कर सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन अभी हम चलते हैं इसको और दिखाता हूँ आपको YouTube हम इसके अंदर कैसे चला रहे हैं। तो हम गए YouTube पे और हमने चला दिया है, जैसे कि आप सुन सकते हैं
जैसे कि आप सुन सकते हैं कि इसमें पहले आवाज आ रही है उसमें बाद में आ रही है, लेकिन इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। यहाँ से पूरी आवाज बंद कर देना और मेरा पापा दीपक करना है। A few moments later, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है कितनी तारीख है? 31 आज है लाइट नहीं आ रही। जैसे कि आपने देखा सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है, आगे पीछे लैग हो रही है। अगर आपकी कश्मीरिंग के टाइम पे तो आपके पास एक ही सोल्यूशन है इसका। आप यहाँ से आवाज बंद कर देना, सिर्फ इसके अंदर साउंड आएगी, मेन साउंड नहीं जाएगी, सिर्फ इसके अंदर ही आएगी टीवी की पूरी साउंड करके। आप देख सकते हैं यूट्यूब आप चला रहे हो, अगर आपको उसके अंदर चलाना है, अगर आपका नेट कनेक्शन नहीं है आपके पास, मेरे पास है, मैं चला लेता हूँ यूट्यूब, अगर नहीं है तो फिर आप कश्मीर रिंग इसी ऐप की वजह से कर सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ई शेयर ऐप है, दबा के आप चला सकते हो इसके अंदर। और जैसे ही आपने पिछली वाली वीडियो पर प्यार दिया, इस पर भी ऐसे ही प्यार देना। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आप कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा एक सिंपल सा तरीका है। ई शेयर ऐप पे जाके जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे और इसके अंदर एक मिररिंग का ऑप्शन आएगा, सिर्फ इस मिररिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो पूरी फुल मिरर हो जाएगा। जैसे आप अपना फ़ोन मिरर हो चुका है, फ़ोन मिरर हो चुका है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है मेरे को। थोड़ा बहुत तो बफर सब फ़ोनों के अंदर होता है और कुछ ज़्यादा इसके अंदर खास है नहीं। और अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप इसको आप एज ए रिमोट कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हो। कैमरा अगर आप देखो तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप अपना कैमरा भी दिखा सकते हो, आप देख सकते हो, आप इसे कैमरा भी दिखा सकते हो, कैमरा फ्रंट कैमरा से ऐसे भी कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ है, देख सकते हो मेरा भैया हैंडसम लग रहा है। चुप, बिल्कुल चुप। तो बस यही था इसके अंदर, और एक और फीचर है इसके साथ साथ, हाँ, और रिमोट से आप कंट्रोल कर सकते हो सब कुछ। जैसे कि आप देख सकते हो टच यहाँ पास आ जा, और आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो, माउस हो गया, ये टच हो गया, आपका टीवी टच स्क्रीन नहीं है लेकिन आपके फ़ोन से सारे फीचर्स कंट्रोल हो सकते हैं। इसके कीज़ पे जाओगे तो ये बटन हो गए, आप बटन्स की हेल्प की वजह से उससे आप कर सकते हो कंट्रोल इसको। और अगर ऐप्स के बारे में बात करें, जो कि आपके जितने भी ऐप्स हैं फ़ोन टीवी के अंदर, वो इसके अंदर आ जाएंगे। अभी लोड हो रहा है, ये वो ले रहा है, इंफॉर्मेशन उठा रहा है अभी, और जैसे ही हो जाएगा ये आपके सारे ऐप आ जाएंगे। आप इससे वॉल्यूम अप एंड डाउन भी कर, जैसे आप देख सकते हो चुका है, तो सारे एप्लीकेशन जितने भी हैं मेरे टीवी के अंदर वो इसके अंदर आ चुके हैं। तो अगर आप यहाँ से यूट्यूब चलाना चाहते हो यूट्यूब चला सकते हो, ई शेयर चलाना चाहते हो या टीवी की सेटिंग्स करना चाहते हो सेटिंग्स पर करना चाहते हो, तो आप सब चीज़ इससे कंट्रोल कर सकते हो। वॉल्यूम अप एंड डाउन भी कर सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे मैं इसके अंदर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। तो ये है इसके कुछ ऐसे स्मार्ट फीचर्स, इस एप्लीकेशन के स्मार्ट फीचर्स। और बस इसमें तो इतना ही था। हाँ, अपने फ़ोन के अंदर MX प्लेयर के साथ भी आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन के अंदर वीडियो है और अगर आप उसको चलाना चाहते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप ई शेयर जैसे ही कनेक्ट करोगे ना इसके साथ, तो वैसे ही आपका सारा फ़ोन का डाटा इसके अंदर चला जाएगा। कोई चोरी नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ डाटा चला जाएगा इसके अंदर। मिररिंग तो ये होगी अगर आपको यूट्यूब चलाना है, कुछ भी चलाना है। अगर आपके फ़ोन के अंदर ऑलरेडी सॉन्ग्स है या वीडियो सॉन्ग्स है तो आप उसको इसके अंदर प्ले कर सकते हो, जो कि आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। वीडियो के अंदर जाके आप सारी वीडियोस प्ले कर सकते हो इसके अंदर जो भी है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कौन सी वीडियो है। ये जब मैं बहुत पहले यूट्यूब चलाता था, आप देख सकते हैं, आप यहाँ से वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हो, आप सब कर सकते हो इसके साथ। ये मैं, ये हमने ब्लॉग का था जब हम ब्लॉग बना रहे थे, तो आप यहाँ से सब कंट्रोल कर सकते हो एक तरह से। आप कॉफी के अंदर सिर्फ आप यूट्यूब और जितने भी एप्लीकेशन है अल्ट बालाजी वगैरह ये सब चला सकते हो, सीरीज चला सकते हो, लेकिन आप एंड्रॉयड टीवी का ये जो मेन फंक्शन होता है वो ये है कि आप अपना पूरा कंट्रोल कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। फ़ोन अगर स्मार्ट है तो आपका टीवी भी स्मार्ट होना चाहिए। आप इससे टच कंट्रोल कर सकते हो, आप इसे रिमोट कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप इसके बहुत ही एक्साइटिंग फीचर्स के साथ। तो अब करते हैं वीडियो को यही एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दबा देना, दबा दें और ठोक देना दबा के, और बढ़िया पीट देना उस बटन को। और सब्सक्राइब बटन है उसको रेड से क्लिक कर देना, ठीक है? ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें।
ठंड बहुत है अभी, मैं थोड़ी देर में अगर हाँ, और अगर आप व्लॉग्स भी देख रहे हो तो व्लॉग्स भी देखिए। अभी रिसेंट मैंने व्लॉग अपडेट अपलोड करा था जो कि था हैप्पी न्यू ईयर व्लॉग। तो न्यू ईयर 2021 आपको मुबारक हो, मिलते हैं आपको अगली बिल्कुल एक्साइटिंग और न्यू वीडियो के साथ। क्या पता मैं 15 कुछ दिनों का ब्रेक लूँ, लेकिन मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।